नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाई केयर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट वीक अहेड, जो नेक्स्ट वीक हम लोगों का भी आने वाला है। कौन कौन से बड़े इवेंट हैं, कौन कौन सा कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट अभी हुआ है, इंटरनेशनल इवेंट जो चल रहे हैं, इंटरनेशनल में क्या सिचुएशन है, ग्लोबल सेंटिमेंट कैसा है, FIDATA कैसा है, क्रूड का क्या स्थिति है, क्या ब्रेकआउट लेवल पे है, इंपॉर्टेंट जैसे कि रिजल्ट अनाउंसमेंट, बोनस स्प्लिट, इन सभी चीजों को लेकर के अभी डिस्कशन हम लोग करेंगे। एंड प्लस चार्ट को भी एनालाइज करेंगे कि चार्ट कैसा है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपने या हमने अगर अच्छे से होमवर्क करेंगे तो नेक्स्ट वीक हमारा अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहेगा। अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो पता चला कि कोई बड़ा इवेंट है और हम लोगों ने उसमें ट्रेड इनिशियल किया और लॉस भी आ सकता है। इसलिए हम लोगों को सभी इन्फॉर्मेशन को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए अपना होमवर्क हम लोग सही तरीके से करते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहला चाहिए, क्वार्टर थ्री रिजल्ट का सीजन स्टार्ट हो गया है एंड ये जो रहता है ना, ये सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा इस वीक में, बिकॉज 65 कंपनीज, BSE का डेटा चेक कीजिएगा तो 65 कंपनीज अपना रिजल्ट अनाउंस करने वाली हैं January 8 से लेकर के January 13 तक। ओके, 65 कंपनीज अभी, क्योंकि एक वीक की बात हो रही है। उसमें से Nifty 50 कंपनीज में TCS का रिजल्ट आने वाला है January 11 को, इंफोसिस का January 11 को, SCLTech का January 12 को, विप्रो का January 12 एंड HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसका January 12 को आने वाला है। तो ये Nifty 50 का इंपॉर्टेंट दिग्गज है जिनका रिजल्ट आएगा, तो निफ्टी का सेंटिमेंट खराब करने का या फिर अच्छा करने का दोनों का काम कर सकते हैं। इसमें से TCS जो रहता है उसमें डिविडेंड का अनाउंसमेंट होने वाला है, देन आफ्टर दैट HCLTech में होगा एंड देन आफ्टर दैट विप्रो में भी होने वाला है। सो ये इम्पोर्टेंट अपडेट है रिगार्डिंग रिजल्ट। इसलिए इन इन ये जितने भी शेयर्स जो मैंने बताया, इसमें आपको ध्यान से ट्रेड करना है। सो पैसा कमाने का अच्छा मौका भी हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द एनालिस्ट का क्या एक्सपेक्टेशन है IT कंपनीज का रिजल्ट को लेकर के। तो यहाँ पर एनालिस्ट का प्रोजेक्शन है कि प्रोजेक्ट कर रही है, इसमें एनालिस्ट का नाम बताया जा रहा है, एलआरआई सिक्योरिटीज एंटिसिपेट करी सबड्यूड परफॉर्मेंस होगा, मतलब उतना ताबड़तोड़, उतना जो होता है तोड़ फोड़ वाला रिजल्ट नहीं आने वाला है। बिकॉज उन्होंने रीजन भी दिया है फ्रॉम IT फर्म्स, उसके पीछे रीजन है कि प्रोजेक्टिंग इन एवरेज कॉन्स्टेंट करेंसी CC ग्रोथ ऑफ 1.4 to 1.6 इन डॉलर टर्म्स, दिस म्यूटेड सिक्वेंशियल ग्रोथ इन दिसंबर क्वार्टर इज एटिब्यूटेड। यहाँ पर बहुत ही शांत अभी रिजल्ट आने वाला है, बहुत ज्यादा तोड़फोड़ नहीं आएगा। रीजन भी ऐड किया है क्योंकि एक है प्रोलॉन्ग हायर इन्फ्लेशन, बहुत लंबे समय से खिंच रहा है इन्फ्लेशन इस कारण से, दूसरा डिले इन डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट, तो जो प्रोजेक्ट है वो डिले होते चले जा रहे हैं, ओवरऑल स्लगिश ग्रोथ, तो ग्रोथ जो रहता है वो बहुत ही स्लगिश है एंड अक्टूबर से लेकर दिसंबर का जो सीजन जो है, पीरियड जो रहता है वो ट्रेडिशनली स्लोअर क्वार्टर माना जाता है। रीजन बिहाइंड क्या है, क्योंकि पूरा जो यूरोप है, फिर इंडिया को भी ले लीजिए आप, US एंड यूरोपियन कंट्रीज में सभी जगह पे हॉलीडे का सीजन रहता है, विच सर्व एज अ मेजर मार्केट फॉर इंडियन IT फर्म्स। तो हॉलीडे सीजन होने के कारण, क्रिसमस का खासकर, इस कारण से ये जो रिजल्ट जो रहता है शांत होने का चांसेस है। लेकिन फ्रेंड ये भी बता दूंगा कि जहां अभी सबड्यूड एक्सपेक्ट किया था, जरा सा भी अगर अच्छा रिजल्ट आया ना तो तूफानी तेजी भी देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना है। सो रिजल्ट अच्छा आया, समझिए कि फिर क्या होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये कॉर्पोरेट इवेंट की यहाँ बात हो रही है, कॉर्पोरेट इवेंट है जैसे डिविडेंड है, स्प्लिट है, तो डिविडेंड का अनाउंसमेंट होने वाला इस वीक में, ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं है डिविडेंड को लेकर के। अनाउंसमेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा जो रहता है कौन कौन सी कंपनी स्प्लिट होने वाली है, तो स्प्लिट में अगर आप चेक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर कौशल्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बात हो रहा है, तो दूसरा फ्रैंकलिन है एंड तीसरा आपका कोचिंग शिपयार्ड का है। यहाँ पर आपको चेक करना है ओल्ड पुराना फेस वैल्यू क्या है और अभी का फेस वैल्यू क्या है। तो देखिए 10 से 1000 में चेंज हो गया कौशल्या का, उसी तरह से फ्रैंकलिन का 10 से 1 हो गया है एंड कोचिंग शिपयार्ड का 10 से 5 फेस वैल्यू चेंज हो जाएगा। ओके, मैं इससे रिलेटेड वीडियो मैंने आप बनाया है, उसको आप वॉच कर सकते हैं, कैसे क्या कितना शेयर आपको मिलेगा। ओके, रिकॉर्डेड ध्यान दीजिएगा, कौशल्या के लिए आपका है 12/1/2024 12 तारीख, देन 11 तारीख या फ्रैंकलिन का कोचिंग शिपयार्ड का है 10/1, 10 जनवरी इंपॉर्टेंट डेट है स्प्लिट को लेकर के कंपनी। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इस डेटा को। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द राइट इशू, तो राइट इशू वो शेयर होता है जिसमें जिससे एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर जो है वो आप इस शेयर को खरीद सकते हैं। उसका रेशियो यहाँ बताया गया कि 179 पे 6 शेयर आपको मिलेंगे ग्रासिम इंडस्ट्रीज का। रिकॉर्ड डेट यहाँ पर बताया गया 10/1/2024 है, उसी तरह से सरनम इंफ्रा प्रोजेक्ट का रेशियो यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ प्रीमियम किस डिस्काउंट प्राइस में आपको मिलेगा ग्रासिम का 1810, उस को आपको ध्यान में रख करके ट्रेड करना है। सरनम इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है उसका लिए रिकॉर्ड डेट है 10/1/2024 का है, देन आफ्टर दैट जेन फार्मेसी का है 1:1 का रेशियो है, 0.75 है प्रीमियम, एंड देन 9/1/2024 क्वेस्टेक सॉफ्टेक इंडिया 8:5 का राइट रेशियो है, 20 प्रीमियम है, रिकॉर्डेड 8/1/2024 एंड इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी 4:1 का यहाँ पर है प्रीमियम,
प्रीमियम 11 का है एंड देन रिकॉर्डेड 8/1/2024 का है। बोनस को देकर के दो कंपनियां बोनस है, न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज एंड दूसरा है आपका इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड। दोनों में देख सकते हैं 1:1 का बोनस है यहाँ पर एंड देन आफ्टर दैट रिकॉर्डेड है 1 का है आपका न्यूजन का 12/1/2024 है एंड आपका इंटीग्रा का है 11/1/2024। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है रिगार्डिंग राइट इशू एंड बोनस को लेकर के। आगे हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स द रेड सी का क्राइसिस चल रहा है। तो रेड सी का क्राइसिस जो चल रहा है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये ट्रिगर हो सकता है फॉर शिपिंग कंपनीज। ओके, क्योंकि रेड सी में अभी प्रॉब्लम चल रहा है, एट रेड सी क्राइसिस इंटेंसिफाई ये बढ़ता चला जा रहा है और एक मर्सक जो कंपनी है उन्होंने ऑलरेडी उस रूट को चेंज भी कर दिया है। ओके, वो भी इंफॉर्मेशन आ रही है और ये इंपैक्ट करेगा इंपैक्ट ऑन ट्रेड। तो जो भी ट्रेड जो होती है ना इंटरनेशनल ट्रेड उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। रिपोर्ट फ्रॉम इकोनॉमिक थिंक टैंक GTRI, एक थिंक टैंक है GTRI, उन्होंने January 6 को अपडेट किया है कि इस कारण इस प्रॉब्लम के कारण सजेस्ट दैट इट कुड लीड टू पोटेंशियल इंक्रीज ऑफ 60% शिपिंग कॉस्ट। तो चूंकि सभी अपने जो रेड सी का जो रूट जो रहता है उसको चेंज करेंगे, चेंज करने से क्या हो जाएगा इनका शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा एंड प्लस 20% इंक्रीज इन इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ेगा एंड इस कारण से क्या हो जाएगा सभी चीज में प्रॉब्लम आ सकता है इन फ्यूचर। और इन रिस्पॉन्स टू दिस एस्केलेटिंग सिचुएशन इंडियन गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल्स जो शिपिंग ऑफिशियल्स है और शिपिंग कंपनीज है उनसे कन्वे बातचीत की है एंड लास्ट वीक और इवेल्युएट किया है कि पूरे पूरे सिचुएशन को इवेल्युएट कीजिए और क्या क्या इम्प्लीकेशन आ सकता है उसको आप चेक कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू हो सकता है नेक्स्ट वीक या फिर अभी कमिंग सीजन में। ओके, सो रेड सी क्राइसिस को ध्यान में रख करके ट्रेडिंग शेड करना है। उसके अलावा ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमिक डेटा भी रिलीज होगा। दो डेट याद रखिएगा, January 11 एंड January 12 दो है। January 11 को आपका CPI डेटा आएगा, US कंज्यूमर CPI इंडेक्स का डेटा आएगा एंड January 12 में आपका डेटा आने वाला है जो कि है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा फॉर नवंबर आएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डेटा आएगा एंड स्टैटिस्टिक ऑन बैंक लोन एंड डिपॉजिट ग्रोथ फॉर फॉर्टनाइट एंडिंग December 2010। तो इंपॉर्टेंट डेटा है, दो डेट है इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान में रखें कि कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना है। ओके, बिकॉज देखिए ध्यान में रखिएगा तभी पैसे बनेंगे, अदरवाइज जरा सा मिस्टेक पैसा डूब जाता है, डूबता नहीं है फंस जाता है। IPO नेक्स्ट वीक कौन कौन आने वाला है, एक तो हो गया ज्योतिष, ज्योति CNC ऑटोमेशन का है, फर्स्ट मेन बोर्ड इनिशियल IPO आने वाला है टू हिट दलाल स्ट्रीट ऑन इन 2024। द इशू विल ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑन January 6 एंड क्लोज ऑन January 11। इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। देन SME IPO बहुत सारे आने वाले हैं, लिस्टिंग ऑफ कौशल्या लॉजिस्टिक ऑन January 8 है एज वेल एज अपकमिंग IPOs में आपका आईबिल फिनांस, न्यू स्वान, मल्टीटेक एंड ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर। तो ये SME IPO के बारे में अपडेट मैंने आपको बता दिया। देन आफ्टर दैट मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, FIDI डेटा। FIDI डेटा को आप चेक कीजिएगा, देख सकते हैं FI यहाँ पर कंटिन्यूअस 2 दिनों से खरीदारी की है, उसके अगेंस्ट में देखिएगा तो DI कंटिन्यूअस बेच रहे हैं, पूरे माल को बेच रहे हैं। तो ये चीज थोड़ा अच्छा नहीं है। अगर आप लास्ट ये आपका 5 जनवरी में भी, 5 जनवरी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी DI ने अच्छी खासी बिकवाली की है, उसके अगेंस्ट में अगर आप देखिएगा पूरा मंथली डेटा चेक कीजिएगा तो FI ने लास्ट मंथ इस मंथ में January 3290 का खरीदारी की है, उसके अगेंस्ट में DI ने 7296 का बिकवाली किया है। दोनों को अगर माइनस कीजिएगा तो आप देखिएगा अभी तक सेलिंग का ही माहौल क्रिएटेड है। ओके, और निफ्टी ऊपर की ओर ही भाग रहा है। नाउ मूविंग टू द चार्ट पार्ट, कि चार्ट कैसा है निफ्टी का। तो यहाँ निफ्टी का चार्ट में देख सकते हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 21,500 पहला सपोर्ट है एंड दूसरा सपोर्ट आपके लिए निकल कर आ रहा है 21,384 के रेंज में। तो ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ऊपर में रेजिडेंट 21,800 का है 21,800। तो डेटा अभी भी बुलिश है, कोई खराबी नहीं है, लेकिन सपोर्ट रेजिडेंट को ध्यान में रखकर के कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स निफ्टी IT, बिकॉज निफ्टी का ही रिजल्ट आने अभी निफ्टी जितनी कंपनीज का रिजल्ट आने वाला है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये देख सकते हैं एक आप फ्लैग पैटर्न सा क्रिएटेड है, ये बताऊंगा, ये आवर्ली चार्ट में डिस्कशन कर रहे हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 34,550, 34,250 एंड रेसिस्टेंस 35,000 का रहेगा। ओके, और ये देखिए रेसिस्टेंस का लेवल है, ये टूटेगा तो अच्छा खासा ब्रेकआउट का माहौल क्रिएट हो जाएगा। इसलिए ध्यान से आप चार्ट को याद रख करके ट्रेड करना है, कि किस आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस याद रख करके कोई ट्रेडिंग शेयर करना है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द क्रूड का पार्ट, क्योंकि क्रूड जो रहता है माहौल को बिगाड़ सकता है। यहाँ भी देख सकते हैं एक फ्लैग पैटर्न क्रिएट है इस तरीके से एंड यहाँ पर सपोर्ट, मैं WTI क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूँ यार, ये भी आवर्ली चार्ट है, सपोर्ट 73 का निकल कर आ रहा है एंड रेसिस्टेंस ऊपर में 74.50, ये ब्रेकआउट का लेवल रहेगा। सो ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस नहीं, थैंक यू।